अगर आपके साथ आपकी रेल यात्रा में कोई बुजुर्ग या गर्भवती महिला सफर कर रही है तो रेलवे द्वारा लोअर बर्थ सीट का इंतजाम किया गया है। पर आखिर लोअर बर्थ को लेकर क्या नियम मौजूद हैं जिससे उनका सफर हो जाएगा आसान, ये जानने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, ट्रेन से सफर करते समय, खासकर रात में यदि सफर करते हो तो सबसे बड़ी समस्या बर्थ को लेकर होती है। वहीं आप यदि किसी बुजुर्ग या गर्भवती महिला के साथ सफर कर रहे हो तो उनको परेशानी ना झेलनी पड़े, उसके लिए रेलवे द्वारा लोअर बर्थ का इंतजाम किया गया है। रेलवे के नियम के अनुसार लोअर बर्थ में बुजुर्गों को लेकर लोअर बर्थ में प्रायोरिटी मिलती है। वहीं बुकिंग के समय रिजर्वेशन चॉइस बुक ओनली इफ लोअर बर्थ इज अलॉटेड के तहत टिकट की बुकिंग करते हैं तो आपको लोअर बर्थ मिल जाएगा। हालांकि सीट अवेलेबल नहीं होती तो सीट नहीं मिलेगी। अगर सीनियर सिटीजन लोअर बर्थ की सुविधा लेना चाहते हैं तो पुरुष की उम्र 60 साल से ज्यादा और महिला की उम्र 58 ईयर से ज्यादा होनी चाहिए। स्लीपर क्लास में 6 लोअर बर्थ पर कोच, थर्ड एसी में 3 लोअर बर्थ पर कोच और सेकंड एसी में 3 लोअर बर्थ पर कोच होते हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया कि गर्भवती या फिर बुजुर्ग महिलाओं को भी कई सुविधाएं मिलती हैं। आपके साथ अगर कोई गर्भवती महिला यदि सफर कर रही है तो उसे लोअर बर्थ में भी प्रायोरिटी मिलती है। इसके अलावा 45 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिला को भी लोअर बर्थ में प्रायोरिटी मिलती है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन या फिर महिला लोअर बर्थ सीट केवल बुकिंग काउंटर या फिर रिजर्वेशन ऑफिस से ही बुक कर सकती है। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिलाओं को मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होता है। तो अगर आपके साथ भी इनमें से कोई सफर कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पैसा लाइफ को अभी सब्सक्राइब कर लें।